भाई कौन सा बकरा दिखा रहे आज? आज जो अपने पास बकरा गेन नहीं हुआ है वो बता रहे, जो कोई नहीं बताता है वो अपन बताते हैं। अच्छा हाँ, तो जो गेन ही नहीं हुआ है ये आके अपने पास हो गया है कम से कम 4 से 5 महीना हो गया। और ये देवनार से खरीदे थे पार्टी ने, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, 2-3 बकरे खरीदे थे, 2 बकरे उनके बहुत अच्छे तैयार हो गए। ये बकरा आया तब से भाई गेनिंग पे नहीं है और रिवर्स पे, रिवर्स रिवर्स पे, इसका नाम भी अपन ने बनाना ही रखे थे। मतलब रॉकेट साइंस में अपने जितने नॉलेज थे, एक्सपीरियंस था, अपने डॉक्टर का एक्सपीरियंस था, अपन ने सब इस्तेमाल कर लिया इसके ऊपर। अपन ने खून गेन करने की दवाई दे दी है इसको, इसके ऊपर हम लोगों ने हर चीज़ का इस्तेमाल किया, मतलब जो आईवी चढ़ा के देते हैं सब कुछ है, खाता सब कुछ सब बेहतर है। लेकिन बकरा देखो गेनिंग ही नहीं करता है, एकदम एकदम मतलब ऐसा दिखेगा अपसेट है, और घास फूस दे दो तो वो भी चालू है, कुछ भी है सब इंटेक बहुत अच्छा है। इसको लीवर का अपन ने चेक कर लिए, कुछ इशू नहीं है, अंदर से चेक कर लिया कुछ इशू नहीं है, सब जगह है, फीड है, फीड एंड फाइन दिख रहा है, लेकिन गेनिंग नहीं है बकरे में। तो गेनिंग है नहीं तो वो बताना भी ज़रूरी है, क्या लोगों का बकरा आता है तो लोगों को पता भी होना चाहिए क्या भाई, हर चीज़ है ना, प्लस में भी होती है नेगेटिव भी होती है कोई चीज़ बराबर। आपको ऐसा है कि अपन किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, खरीदा हुआ है बकरे का क्या मोशन है, क्या अपडेट है उसकी, हम लोगों को कोई पता नहीं, मेन उसकी हिस्ट्री भी अपने को मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अपन घर में बैठे रहते, अपन टिफिन खाते रहते तो वो आता है साथ में और रोटी देंगे तो वो 3-4 रोटी खा जाता है, रोटी खा जाता है। तो इसके लिए इसकी हिस्ट्री से ऐसा लग रहा है कि ये किसी के घर में अकेला एकदम खास पला हुआ बकरा है, पला हुआ जैसा लग रहा है। और अपन ने हर चीज का ट्रीटमेंट करके देखी, इसको केज में रख लिए, इसको रेवड़ में रख लिए, इसको दाना अच्छे से अच्छा दाना दिए, स्पेशल केयर कर लिए इसके साथ में, स्पेशल केयर के साथ में अपन ने इसको हर तरीके की दवाई कर ली। अगर कोई जानकार है तो वो भी हमारे को आइडिया दे सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये करो, तो हम लोग पॉजिटिवली रहेंगे, हमको कुछ सीखने मिलेगा। ये बकरा बहुत अपने को सिखा रहा, और ये गोट फील्ड है बराबर, इसमें हर कदम पे सीखना है, कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इवन ये बकरे को मैंने खुद आधा आधा घंटा सामने लेके जाके चरा के लाया, सामने जंगल में लेके, वो चरता इतना अच्छा है जैसा बकरियां खाती है ना वैसा खाता है वो। अभी भी लेके जाएगा तो फटाफट खाएगा, लेकिन गेनिंग में नहीं, खाने में बहुत अच्छा है इसकी, ऑलमोस्ट 3-3 अभी भी खा रहा है, चरने में एक्सपर्ट है वो। 3 टाइम इसकी अपन ने डीवॉर्मिंग कर ली है, इसको हर वैक्सीनेशन हो चुका है, गेनिंग में नहीं है। तो गेनिंग में नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है। और ऐसा है कि भाई इतना सब खाने के बाद में हम लोगों ने जितना हमारा एक्सपीरियंस था, हमारे डॉक्टर का एक्सपीरियंस था, सब इस्तेमाल करके देख लिया, और कस्टमर का ऐसा है कि हम लोग ने कम से कम 2 महीने से तो उसकी पलाई भी माफ कर दी, बोले पलाई मत दो लेकिन दवाई चल रही है, हम लोग वो दवाई में पैसा जा रहा है उसका बराबर, जो भी अपन कर सकते हैं वो कर रहे, ये गेनिंग पे आ जाए बराबर, लेकिन उसके बाद में भी नहीं आ रहा, लेकिन अपन ने वो पलाई के पैसे नहीं ले रहे। हाँ, एक चीज अपन जो अपनी तरफ से कर सकते थे अपन ने वो किए हैं, कर चुका हूँ, क्योंकि भाई बंदे के ज्यादा पॉकेट मनी नहीं है, ऐसा ही है, नहीं है ऐसा नहीं है कि बकरा गेन नहीं हो रहा है, तो हम लोग लोगों को देखते क्या वो आदमी किस तरीके से बकरा पाल रहा है, कैसा नहीं है, और पालने दिया। इसके दूसरे 2 बकरे आए हुए देवनार से ही आए हुए, और एक एक बकरा लेके आया था, मालूम है, जो आया था और दूसरे दिन से बीमार था बराबर, और उसको और मॉर्टेलिटी हुई थी, तो अपुन ने उसका पोस्टमार्टम किए थे बराबर, इतनी थैली निकली, प्लास्टिक की थैलियां थी, प्लास्टिक की थैली की वजह से उसकी डेथ हुई थी, अपुन ने वो भी बताए थे, कस्टमर ने खुद ने देखा, उसको भी पता, एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं भाई ये तो गलत चीजें आ गई। नॉर्मली किधर से भी बकरे लो, लेकिन हिस्ट्री जानना जरूरी है हम लोगों का, और बोलने का मकसद ये है कि हर बकरा गेन नहीं होता है, और 100% है ना गोट फार्मिंग में नहीं हो सकता, इसलिए 100% रिजल्ट अपन बोलते भी नहीं ना, अपन बोलते ही नहीं है रिजल्ट नहीं, क्योंकि मिल ही नहीं सकता है ये 100% रिजल्ट, इम्पॉसिबल बात है, आपको किसी 1 महीने में मिल सकता है, कंटिन्यू नहीं मिलेगा। हम लोग मेहनत करेंगे ये बोलते हैं, मेहनत करेंगे, मैंने कभी भी कोई भी चैनल के ऊपर किधर भी मैंने वेट गेन की गारंटी नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है बराबर, मैं मेहनत करूंगा अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं बराबर, तो मेरी नियत देख रहे और वो रिजल्ट मिलता है अपने बराबर। हम लोग मेहनत कर रहे, दवाई पानी कर रहे, दवाई भी करते तो भाई ये नहीं है कि हम दवा कर रहे तो भाई इससे ठीक हो जाएगा, शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला है, तो हम लोग दवा के साथ में दुआ भी करते हैं, और हमेशा जब काम करते हैं तो 1000% हम लोग मेहनत करते हैं, मैं लगाऊं तू अल्तमश है, पूरे स्टाफ है जो लगे हुए तो तकरीबन आते हैं, और अपना ऐसा है कि एक बकरा भी अभी जो क्लाइमेट चल रहा है गर्मी
बारिश गर्मी बारिश इसमें भी है बीमारी के चांसेस है बराबर होते हैं बकरे बराबर तो किस तरीके से हम लोग 100% रिजल्ट बताए। और ये देखने वालों को मैं ये बता दूं कि हम लोग जो है ना बकरे अगर बीमार होते ना तो हम उनके इलाज है ना सदके के जरिए भी करते। बकरा बीमार होता है तो हम लोग उसका सदका निकालते हैं ताकि वो शिफा हो जाए। वो भी एक वजह रहेगी कि अपने यहाँ बकरे जो है वो बीमार होकर जल्दी रिकवर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपन नियत कर लेते हैं कि हाँ। नहीं बंद मुट्ठी में जो भी बराबर बंद मुट्ठी में इतना इतना देने का ये बराबर ठीक हो जाए। दे देते उनका सदका। ऐसा नहीं है कि अपने आप मॉर्टेलिटी नहीं हुई है हम दूध के धुले हुए नहीं है। नहीं नहीं वो देखो मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ जिंदगी है ना वहाँ मौत भी होगी होगी और होगी ही। इसलिए वो मॉर्टेलिटी का इनकार नहीं है पर अपनी मेहनत का वो है कि आपने कितना दिया और हम लोग 1000% दे रहे हैं उसके बावजूद भी मौत होती है। अपन अपसेट होते हैं हम लोगों को बहुत अपसेटनेस होता है मगर क्या करें इट्स पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ गोट फार्मिंग है। ये जो भी गोट फार्मिंग में आती है तो ये समझ लो कि आप अगर मॉर्टेलिटी हैंडल नहीं कर सकते उसका मतलब उसको किसी भी तरीके से अगर आप मॉर्टेलिटी हैंडल नहीं कर सकते तो आप गोट फार्मर नहीं बन सकते। ये एकदम ट्रू लाइन है क्योंकि ये जरूरी है ये लाइन में ये जरूरी है और ये होता ही है। बराबर ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन कर सकता है ज्यादा से ज्यादा दवा कर सकता है क्योंकि जिंदगी मौत हमारे हाथ में नहीं अल्लाह के हाथ में। बराबर हम लोग करते हैं लेकिन मेहनत के मुकल्लफ अपन है अगर उसमें कमी करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार कहलाएंगे उस चीज के। हम आते हैं ये देखिए पोजीशन है हमारी काम करने की जो भी हम लोग आते हैं तो एक कुर्सी पे नहीं बैठते आने के साथ में हम लोग लग जाते हैं। कोई भी रैंडमली आ जाए सिर्फ संडे के दिन मैं बैठा हुआ दिखूंगा। हाँ क्योंकि संडे को ज्यादा कस्टमर्स आते हैं तो एक मेहमान नवाजी भी करना अपने जिम्मे जरूरी है और रैंडमली लोग आएंगे तो वो हर कोई देख के गया कि हम लोग केज में घुसे मैं हूँ अल्तमश है बराबर लगे भाई सुबह 8 बजे से लेके रात के 9-10 बजे तक हम लोगों का गेट 6 बजे बंद हो जाता है लेकिन उसके बाद में भी हम लोगों का अंदर काम होता रहता है। 6 बजे विजिटर्स के लिए ताकि हम लोग कोई आए तो उनसे बातचीत कर ले और उसके बाद में जो हमारा काम होता है जो ज्यादा है जो बीमार है जिनकी सुबह ट्रीटमेंट हो चुकी है या शाम में भी जाते जाते भी हम लोग ट्रीटमेंट देख के जाते हैं कौन सा बीमार है कौन सा अपसेट है किसने कितना खाना खाया या नहीं खाया किसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए किसको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर 100% रीजन नहीं है और हम लोग कोई चीज़ की गारंटी लेते नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गारंटी लेते हैं जब तक हम हयात है हम लोग मेहनत करेंगे 1000% हमारी मेहनत करेंगे। अभी मैं यहाँ पर हूँ और चल के आगे चल के मेरे को ठोकर लग गई है तो मैं क्या गारंटी नहीं किसी की भी गारंटी नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है ना गारंटी नहीं है तो वो चीज़ बताना जरूरी है। एक शख्स का बकरा आया है तो ऐसे है हमारे पास कुछ बकरे जो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं जो लेवल वेट पे रहते हैं कुछ गेन करते हैं कुछ ये महीना गेन नहीं है कोई अगले महीना गेन बराबर तो गारंटी कुछ बकरे ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना भी नहीं लाओ तो गंदे, तो गंदे होते ही होते हैं बराबर तो अपन ब्लेम किसी को भी नहीं करते और नॉर्मली अपन वीडियो जब भी बनाते हैं तो लोग एक ही जगह पे उसको लेके चले जाते हैं वो एक्चुअली लोगों की थिंकिंग है। हाँ। हम हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं बराबर हम किसी के लिए वीडियो नहीं बना रहे हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत बता रहे हैं कि हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं हम किसी को ना ताना कर रहे हैं ना किसी को नीचा गिराने की नीयत है क्योंकि आज मैं किसी को नीचा गिराऊंगा तो कल मेरी भी बारी। सबसे बेसिक बात तो ये है कि फिलहाल अपने पास टाइम है ही नहीं ये सारी चीजें करने का क्योंकि अभी जो बाड़ा बन रहा है वो भी बताओ भाई इनको कि हमारा यहाँ पे ये पूरा बाड़े का काम चालू है और ये महीने के एंड तक इसको पूरा फिनिश करना है क्योंकि अपने बकरे जो राजस्थान में खड़े वो आने वाले हैं। हाँ तो उसके लिए हमको जगह करनी है तो अपने पास वैसे भी वक्त है ही नहीं और अपने पास ये फालतू चीजों के वक्त है भी नहीं और ना रहेगा कभी ना कभी रहेगा भी नहीं उस चीज के लिए। जो भी करे हम सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत करेंगे वो दूसरा आदमी बिठाए या तीसरा आदमी बिठाए जितनी मजाक उड़ाना चाहते हो मजाक उड़ाओ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना वक्त है ना उतनी एनर्जी है बस टाइम भी नहीं है हाँ, वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मैं अपनी खुद के वीडियोस जो बनाता हूँ वो नहीं देखता देखो मान में मैं अभी वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट डाल देता हूँ मैंने क्या बोला क्या नहीं है वो देखने के लिए टाइम नहीं है। मेरे पास क्या टाइम है बकरों का फीड टाइम देखने के लिए मेरे पास टाइम बराबर बकरों को नहलाने के लिए मेरे पास टाइम है बकरों के ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे पास टाइम है जहाँ हमारे यहाँ पर गलतियाँ हो रही है वो गलतियाँ सुधारने के लिए हमारे पास टाइम बराबर दूसरों के झांकने के मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे फार्म में झांकने के लिए टाइम है बराबर किसी और के फार्म में क्या चल रहा है मेरे को लेना देना नहीं बहुत ही अच्छी मेरे पास किसी के जानवर आ रहे जो बीमार है तो वो मैं लेता हूँ फिलहाल तो अभी अपनी जगह फुल हो चुकी है लेकिन वो लेता हूँ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भाई वो लेंगे तो दूसरों के लिए हाँ तो मैं उसके लिए ना इनको जगह दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो फार्म है ना कि हम अगर बीमार बकरे लेते तो हमारे पास जो ऑलरेडी बकरे है
उनको उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो ये क्वारंटाइन रूम है ना, अपने कैलकुलेशन किए हुए हाँ, और अपने स्पेशलिस्ट से पूछे जो अपने हाँ, डॉक्टर से 150 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए क्वारंटाइन और हेल्दी बकरों के बीच में। हमारा 150 से काफी ज्यादा है, फुट वाइज अगर आप आके देखेंगे तो ये बहुत दूर है हेल्दी बकरे। अभी हमारा क्वारंटाइन रूम खाली है और हमारे बकरे जो है वो उनकी जगह बन रही है, इसलिए वो वहाँ पर बैठे हुए, वरना हमारे क्वारंटाइन रूम्स को लेकर और हेल्दी बकरों के बीच में 200-250 फुट का फर्क है। तो उससे ये जो बीमार बकरे लेंगे ना, उनसे जो ऑलरेडी कस्टमर के एग्जिस्टिंग बकरे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। और हम लोग अब जो काम कर रहे हैं हाइजेनिक वे से कर रहे हैं। जब मैं तू अल्तमश या कोई भी ट्रीटमेंट करने डॉक्टर आता है या कंपाउंडर आता है ट्रीटमेंट करने के लिए आता है, तो जब वो क्वारंटाइन रूम में जाता है हमारे पास सैनिटाइजर मशीन है, हम सैनिटाइज करते हैं, फिर उसका पूरा सैनिटाइजर लिक्विड है, हम लोग पूरे हाथ को सैनिटाइज ये करते हैं, पूरा क्लीन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वो बाड़े में जाके चेक करते हैं कि उधर कोई बीमार है क्या, उनको ट्रीटमेंट करते हुए जो हल्की फुल्की बुखार रहेगी वो ट्रीटमेंट करके फिर यहाँ पर आते हैं, ये लास्ट है। उसके बाद में अपने आप को साफ किया जाता है और अपने आप को क्लीन किया जाता है और उसके बाद में हम लोग है ना दूसरे काम पे लगते हैं। तो हम लोग है ना प्रॉपर वे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों का सपोर्ट चाहिए क्या भाई, हर चीज में नुक्स मत निकालो, वो निकालोगे तो भाई वो देखो हर किसी के इसमें नुक्स है, गलतियां है, इंसान अगर बिगर गलतियों के रहेगा ना तो वो इंसान नहीं, फरिश्ता हो जाएगा। हाँ, तो वो हमारे में भी गलती है, बहुत सारी गलती है, लेकिन हम सुधारने की कोशिश करते हैं, हम इतने अच्छे हैं या इतने साफ हैं या वो किसी को जाहिर करने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरा अल्लाह जानता है मेरे दिल के अंदर क्या है। ये तो लगा पड़ा है भाई, ये तो अभी घूम फिर के इसको तो अभी और क्या, इसको तो बकरी का दूध भी चालू किए हुए अपने अपनी जो बकरी ने बच्चा दी है सोनिया, सोनी ने जो बच्चा दी है पनामा का, तो उसको एक्स्ट्रा दूध आ रहा है, बराबर दिन का 1 लीटर एक्स्ट्रा दूध एक्स्ट्रा है, हाँ। तो वो निकाल के भी पिला रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह शायद उससे फर्क पड़े, इंशाल्लाह बकरी के दूध में तो बहुत शिफा है, दूध में शिफा है। हाँ, तो बकरी का दूध पी रहा है अभी ये और ये खुद चरता भी है, तो लोगों से अपील करो कि दुआ भी करे अपने लिए। लोगों से अपील है कि हमारे लिए दुआ करे, तकरीबन तमाम जो जो बकरे पालते हैं फार्म वाले हैं जो हमको चाहते हैं या नहीं चाहते उनके लिए भी दुआ करें और सबके फार्म पे बकरे अच्छे रहे, अच्छे रेट में बिके और सही सलामत हो जाए तो वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि हम लोगों की नीयत किसी को नीचा गिराने की नहीं, वो वापस रिपीट कर रहा हूँ, और हमारी नीयत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर तैयार हो, अच्छे जाए, जिनको अपने जानवर बेचना है उनके जानवर बिके, लेकिन इतना है आप कभी भी बकरा लोगे और बेचने की नीयत से लोगे और फार्म पे रखोगे कोई भी तो 80% लॉस के चांसेस होते हैं, कम पैसा मिलता है, क्योंकि मैं मेरे पलाई का पैसा कम नहीं करूंगा, बराबर साल भर का तुम्हारा हो जाएगा पलाई का पैसा 35-40 हजार, आपने 30 हजार का जानवर लिया क्या आप 80-90 हजार में बेच पाओगे, कोशिश हम करेंगे कि बेच पाए, बिके तो अच्छी बात है, किसी का नुकसान नहीं हो, लेकिन लोग तो के रेट भी अलग होते हैं, तो अलग अलग लोग जंगल में जाके 1.5 लाख रुपए का बकरा खरीद सकते हैं जो 80-90 kg का है, लेकिन यहाँ पर फार्म पे सेट बकरे हैं जो लोगों के, अपने तो जानवर बिक गए, हाँ, अपने नहीं है अभी खस्सी आएंगे, लेकिन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनके जानवर पलाए थे वो जानवर 80-90 हजार रुपए भी बोलेंगे तो लोग नहीं खरीदते, कुछ जानवर है जो 60-70 kg के 35-40 हजार भी बोलते तो उसका भी 20-25 हजार अंडू है, कोटा ब्रीड है, तो मेरे हिसाब से कोटा ब्रीड को वजन के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी अलग है, अलग चीज है, महंगे में मिलता है जंगल से ही, लोग जाके जंगल से ले सकते हैं, तो वेल सेट जानवर क्यों नहीं ले सकते। हाँ, तो उन लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, अपील है, बस अगर किसी को हमारी बातों में बुरा लगे तो वो माफी चाहता हूँ, लेकिन लो बजट बकरे भी आते हैं हमारे पास, तो आपका बजट है वो देख लो, लेकिन क्या क्वालिटी होती है, लो बजट होता है, मीडियम बजट होता है, अपनी तो यही कोशिश होती है कि किसी को उसके बजट में जानवर मिले, और किसी का जानवर हमारे पास में पले तो वो उसके बजट में पले, तो पलना जरूरी है, देखते हैं इंशाल्लाह। तो बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बदा बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, झाड़ लगे हुए यहाँ पर वो बता दे, और भी लगाने ना, उसका वीडियो बनेगा ना, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।